कोई सोच भी नहीं सकता था वुमेन्स के वर्ल्ड कप के अंदर वो हो गया। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। जी हाँ, ये जो इंडिया रात को मैच हारा इतना क्लोज जाके, इसका सारा का सारा कसूर जाता है हरमनप्रीत कौर के ऊपर कि वो खेलती रही, नॉट आउट गई लेकिन चेज ना करवा सकी, और आखिरी ओवर में जो चार आउट्स हुए कि 6 बॉलों पे 14 जब एक सेट बल्लेबाज खेल रही हो, चेज हो सकता था। लेकिन हुआ क्या, ये मैच इंडिया के हारने की वजह से ऐसा हुआ है कि इंडिया के लिए अब नेट प्रोनेट तो इंडिया का बहुत अच्छा है, इंडिया न्यूजीलैंड से ऊपर है, तो अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार जाता है तो इंडिया ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का आज रात को मैच है ना, उसके 3 टीमों का एडवांटेज है, उसके चक्कर में 3 टीमें क्वालिफाई कर सकती है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट क्या हो सकता है? ग्रुप का आखिरी मैच है और कैसा मैच होगा कि अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है तो इंडिया चाहेगा कि जो पाकिस्तान है ना वो न्यूजीलैंड को तो हराए, बेशक 1 रन से हराए लेकिन न्यूजीलैंड को हराए। लेकिन पाकिस्तान 53 रन से ज्यादा मार्जिन से जीते ना, पाकिस्तान की टीम अगर 53 रन के मार्जिन से ज्यादा जीत गई तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान का जो रन रेट होगा ना वो इंडिया से अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान जीते तो जीते लेकिन 53 रन से बिलो मार्जिन से जीते, या जो टारगेट है उसको 9.1 जो ओवर्स है उससे ज्यादा के ऊपर ना चेस करे। अगर 150 का टारगेट है तो वो पाकिस्तान आखिरी ओवर में चेस करे, वैसे भी चेस करे जितना मर्जी टारगेट हो, चाहे वो 60-70 का टारगेट हो, चाहे वो 100 का टारगेट हो, 9.1 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान चेस ना करे और 53 रन के मार्जिन से जीते ना, वरना पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। और सिमिलरली इंडिया ये चाहेगा न्यूजीलैंड अपना मैच ना जीते, अगर न्यूजीलैंड अपना मैच जीत गया, 1 रन से भी न्यूजीलैंड जीता तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा, 6 उनके जिसको कहते हैं ना पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ये बड़ा इजी न्यूजीलैंड के लिए हो गया। लेकिन बदकिस्मती के साथ इंडिया जिस टीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है उस टीम के ऊपर डिपेंड करना बनता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आप कह सकते हैं रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया है तो क्या कर सकते हैं। रात का जो मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, बट पाकिस्तान जो है ना वो 53 रन के मार्जिन से नहीं जीत सकता और पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया को जरूर क्वालिफाई करवा देगा। इसी के साथ साथ बात करें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है, बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं मैदान के अंदर आ गए कि बाबर आजम का जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग आवाज उठा रहे हैं कि नहीं यार बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबर आजम हमारा हीरो है, बाबर आजम के साथ निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। बड़े बड़े क्रिकेटर्स बाबर आजम के लिए ट्वीट कर रहे हैं, हसन अली हो गया, इसी के साथ साथ देखा जाए तो और भी जिससे कहते हैं ना खिलाड़ी हैं वो ट्वीट कर रहे हैं बाबर आजम के लिए। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, अब आपको करना क्या, अब आपको सब्र करना, सब्र का फल मीठा होता है, बाबर आजम के लिए दुआ करनी कि अच्छा कमबैक हो। लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो मैच जीते, पाकिस्तान ने पिच के ऊपर पंखे लगाए हैं, उन पंखे लगाने से ना बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान जो है ना कट तो करके आ रहा है, पाकिस्तान क्या साबित करना चाह रहा है, पाकिस्तान पिच को ड्राई कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पिच को ड्राई करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से पिच है ना इसके ऊपर क्रैक्स जो है वो खुल जाए, पहले दिन से स्पिन का जो बॉल वाला है ना वो ज्यादा हो, तो पिच को बनाया जा रहा है, क्रैक्स बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से जो क्रैक्स है ना ये रहे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच है वो कल से शुरू होगा, आज अगर बात करें तो इंडिया पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, तो बड़ा मजा चल रहा है, बड़ी क्रिकेट चल रही है। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेज जो न्यूजीलैंड की सीरीज है वो शुरू होगी बुल्स से, तो बड़ा मजा आने वाला है, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा।